अगर हम इनऑर्गेनिक डिफेक्ट्स डिस्कस कर रहे थे तो नेक्स्ट आगे आ जाता है फोकल इनामल हाइपोप्लेजिया। इसमें क्या हमारे पास ये सिर्फ हमारे पास कोई भी टीथ है उसकी इनामल है उसके सिर्फ लोकलाइज पार्ट के ऊपर हमें नज़र आता है। उसमें क्या कहें हाइपो प्लास्टिक इनामल होती है जिसमें क्या था हमने पीछे भी पढ़ा इनामल प्रॉपर थिकनेस नहीं होती है या इतने तीन का येलो कलर नजर आ सिर्फ एक लोकलाइज पार्ट पे होगा सारे टीथ पे नहीं होगा। थिकनेस क्या होगी नॉर्मल नहीं होगी मिनरलाइजेशन क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन जो होते हैं मिल्क टूथ के वो अफेक्ट करते हैं परमानेंट टूथ जम को। ठीक है अगर हमारे पास मिल्क टूथ जम है मिल्क टूथ है उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन हो गया स्टेनिंग तो वो क्या करेगा पीछे की तरफ जो परमानेंट टूथ जम बन रहा था उसे क्या अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इसमें पिटिंग टाइप ऑफ इनामल। अच्छा पिटिंग टाइप क्या होती है लाइक आप ऑरेंजेस देखते हैं सर्दियों में सब खाते भी होंगे तो उसके छिलके के ऊपर देखें तो आपको ना छोटे छोटे पिट्स इस तरह करके बने नजर आ रहे होते हैं इस तरह के पिटिंग टाइप इनामल होती है। ठीक है हटिंसन इंसाइटिस और पैक्स लैटरलिस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है जनरलाइज इनामल हाइपोप्लेजिया। इसमें कहते हैं डिफेक्टिव इनामल जो होती है हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ टीथ थी। फोकल में क्या था कि हमारे पास लोकलाइज पार्ट था लेकिन जनरलाइज के उसमें हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ टीथ होंगे हमारे पास पूरी डेंटिशन भी हो सकती है हमारे पास 6 से 7 दांत भी हो सकते हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ टीथ होंगे। ये हमारे पास पर्टिकुलर अमीलोजेनेसिस जब हमारे पास परफॉर्म हो रही होगी तो उसके किसी स्पेसिफिक स्टेज पे या किसी स्पेसिफिक उसके पार्ट में आके क्या करेगी इफेक्ट करेगी इफेक्ट ये परमानेंट डेंटिशन को। उसमें क्या था हमने बात की कि अगर मिल्क टूथ को ये इफेक्ट करता है तो साथ में परमानेंट को भी करेगा। जो जनरलाइज इनामल हाइपोप्लेजिया तो उसमें क्या करेगा परमानेंट डेंटिशन को भी इफेक्ट करेगा। ये था हमारे पास जनरलाइज इनामल हाइपोप्लेजिया। उसके अलावा कुछ टर्म्स हैं अब लाइक फेब्रिल डिजीज़ है उसमें क्या करते हैं हमारे पास जो मालफोर्ड इनामल का ना एक डिस्टिंक्ट बैंड नज़र आता है हमें। ठीक है ये बस आपने पॉइंट याद रखना है कोई इतना खास नहीं है। नेक्स्ट टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग एंड फ्लोरिडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग में क्या होगा कुछ हमारे पास ड्रग्स आते हैं लाइक टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स होती हैं तो उसमें क्या होते हैं जब हम लेते हैं तो ब्राउन पिगमेंटेशन हो जाती है या तो हमारे पास बेशक उसका एक बैंड नज़र आता है या तो हमारे पास पूरे की पूरी जो टीथ होते हैं सारे के सारे डेंटिशन उसमें वो पूरी ब्राउन हो जाती है या अक्सर सिर्फ बैंड बनता है टीथ में। इसमें हाइपोप्लेसिया हो सकती है या इनामल। हाइपोप्लेसिया कहती है हमारे पास थिकनेस कम हो जाती है या इनामल बिल्कुल ही एबसेंट हो सकती है। नेक्स्ट है फ्लोरिडेशन। अच्छा फ्लोरिडेशन में हमने सबसे पहले फ्लोराइड आयन का रोल देखते हैं उसमें तीन तरह से होता है एक तो ये एसिड डिसोल्यूशन को रेजिस्टेंट करता है ठीक है केरिस पे प्रिवेंट करेगा और इनामल में जो केमिकल रिएक्शन अमीलोजेनेसिस में हो रहे होते हैं उन्हें इन्हेंस करेगा। इन्हेंस कैसे करेगा तो हमारे पास जब मिनरलाइजेशन हो रही है इनामल की जब कैल्शियम फॉस्फेट की डेपोजिशन हो रही है एच ए क्रिस्टल्स बन रहे हैं तो उसकी प्रेसिपिटेशन जो होगी उसको इंक्रीज करेगा। ये तो थी नॉर्मल लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने वाटर ले रहे हैं उसमें फ्लोराइड का लेवल एक्सेस है लाइक 5 ppm है या उससे ज़्यादा एक्सेस कर गया तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो टीथ है उसको मोटल इनामल कहेंगे जिसमें वो टीथ जिनमें हमारे पास फ्लोराइड का लेवल ज़्यादा होगा उसे हम कहेंगे मोटल इनामल और टीथ की कौन सी अपेयरेंस होगी चौकी वाइट अपेयरेंस होगी। उसमें हमारे पास जब हम एक इनाम टीथ देखेंगे इनामल का तो उसमें हमारे पास पैचेस नजर आएंगे हाइपोमिनरलाइज्ड की ठीक है अक्सर जगहों पे कि वहाँ पे हमारे पास मिनरलाइजेशन नहीं हो पाई। ये था हमारे पास इनऑर्गेनिक डिफेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है।